मैसेज से 24-5 नंबर का पैकेट लाया। ब्रह्मा ने 18 साल सुनाया, वो समझ भी लिया क्या? समझा नहीं, लेकिन सुना तो ब्राह्मण तो ऐसे ही प्रजापिता भी ब्राह्मण अपने बिगैर प्रजापिता होगा क्या? जो सत्य ब्राह्मण होगा वही सत्य देवता होगा। अगर सत्य ब्राह्मण नहीं होगा तो सत्य देवता नहीं होगा, सत्य देवता नहीं होगा तो सत्य क्षत्रिय नहीं होगा, सत्य क्षत्रिय नहीं तो सत्य वैसी नहीं, सत्य वैसी नहीं तो सत्य शूद्र ले जाए। तो सत्य का मतलब है कि उसको ब्राह्मण भी सत्य बनना पड़े। तो पहला पहला ब्राह्मण, तो पहला पहला देवता माना आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुम अस्थि विश्व से परम निदानम, ऐसा क्यों कहा गया? तो परम निधान परमात्मा आकर के उसे बनाता है, इसलिए बताया कि मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि देवी देवताओं की ये राज्य किसने दिया, किसने दिया, लेकिन वो तो अंतर नहीं समझते हैं। तो कहा है कि बाहर का है, भारत का है, रावण विदेश का है। अगर स्वदेश का होता तो शत्रु त्रेता में भी होता है, तो विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ? विदेशी हुआ है। जो भी झाड़ में लेफ्ट साइड के धर्म है, जो इस्लामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियंस लोभी मुस्लिम अहंकारी रशियंस बाकी बच्चा मास्टर दयानंद का आर्य समाज वो भी कन्वर्ट होते हुए आते हैं लास्ट में भारत में आर्य समाज बनते हैं, वो भी देश विदेशी हुए। हाँ चले, तो खास भारतवासियों को सुख बुद्धि बनाया है रावण ने, समझा क्यों बनाया है? विदेशियों को क्यों नहीं बनाया? वो तो उसके अपने देश के हैं, उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाला, बिल्कुल सुख बुद्धि बनाया भारतवासी। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए, तो सुख बुद्धि अपने धर्म को भूल जाना ये है सुख बुद्धि का काम। अभी इसे तो तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ 1250 वर्ष को सत्युग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य चला, उस समय अथाह सुख था। सुख को याद करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में पास हो गए, सत्य की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते, लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? अभी बाप आकर के समझाते हैं तुमको माया ने कितना सुख बुद्धि बनाया। दुनिया में कोई अपने को सुख बुद्धि समझते नहीं है, तुम जानते हो हम कल सुख बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतना बुद्धि दी है, जो रचयिता और रचना के आदि मध्यम को हम जान गए हैं। कौन रचयिता? शिव बाबा नहीं रचयिता कहेंगे, शिव बाबा रचयिता हो तो सृष्टि के आदि और मध्य और अंत में होता है क्या? होता है,
नहीं होता है ना, तो वो तो बात जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से परमात्मा पायस बजाते हैं, वो इस शक्ति रुचि रंगमंच पर आदि मध्य और अंत में रहकर ऑलराउंड पार्ट बजाता है और उसकी रचना भी आदि मध्य और अंत में पार्ट बजाती है। फर्स्ट रचना कौन है और फर्स्ट क्लास रचना कौन है? ऐसे तो होगी आदि प्रजापिता फर्स्ट रचना है। अगर प्रजापिता को रचना कहें तो रचयिता कौन उसका है? सो बाबा, फिर वही आगे। अगर हमें सो बाबा को रचयिता कहें तो केवल तो ज्योतिबिंदु का नाम है, वो भी रचयिता नहीं है, वो रचना है लेकिन वो फर्स्ट रचना है। और उस फर्स्ट रचना से जो भी फर्स्ट क्लास बच्चा कृष्ण बच्चा पैदा होता है वो है फर्स्ट क्लास पहला पत्थर। ज्यादा पावरफुल कौन होता है दोनों? रचना तो माता भी है और रचना कृष्ण बच्चा भी है। माता है फर्स्ट रचना और बच्चा है फर्स्ट क्लास रचना। फर्स्ट क्लास क्यों? पुरुषार्थ के हिसाब से कृष्ण की सोल ने ज्यादा पुरुषार्थ कर लिया इसके मुकाबले माँ के मुकाबले, पैसे भी दुनिया में भी। बाप की सारी शक्ति किसमें आ जाती है? पहले बच्चे में आ जाती है, आनी चाहिए माँ में, लेकिन माँ अपना सब कुछ बच्चे को अर्पण करती है। तो फर्स्ट क्लास रचना है कृष्ण बच्चा और फर्स्ट रचना है गीता माँ। तो तुमको इतनी बुद्धि दी है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए, कल नहीं जानते थे क्या? इस बात को तुम कल नहीं जानते थे और आज आज जाना, ये भी बात है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते रहे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए, फिर से माना पहले भी ठिकाने पर पहुंचे थे, योगी के आदि में भी पहुंचे थे और अब भी अपने ठिकाने पर पहुंचे थे। कौन से ठिकाने पर? जहां रचयिता बाप दादा भी है और रचना रचना भी बरोबर बाप ने स्वर्ग की राजाई दी थी किसके द्वारा? क्या पिता? ब्रह्मा के द्वारा, माता पिता के द्वारा। अब हम ठिकाने पर पहुंच गए हैं, जो राजाई पहले हमने गवाई दी थी। कब गवाई? ये जो आदि में ही राजा ही गवाई, कभी हम कंट्रोलर थे और फिर क्या हुए? राजा ही गवाई, अभी सत्य तो बन पड़े, सत्य को सत्य तो नहीं देंगे, वो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं वो सत्य का पावन आओ, रावण राज्य में पावन ऊंची तो कोई हो नहीं सकता,
ऊंट से ऊंट के बाप के बच्चे बने तो ऊंट भी बने। रावण राज्य में पावन क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि रावण के जितने भी थे हैं उनमें से कोई को ऊंट से ऊंट नहीं कह सकते। कैसे? कहानी इकलानी वाला मुख है वो सबसे बड़ा नहीं है, ऊंची ऊंची नहीं है क्या? तो वो तो बहुत बेविचारी बनता है। तो ऊंची से ऊंची हुआ नहीं, नीचे से नीचे हुआ, नीचे नीचे हो गया। जो पहला है मुखिया वो ही ऊंची से ऊंचे नहीं, तो दूसरे कैसे ऊंचते ऊंचे? बाकी तो ऊंच छोटे कहा जाता है, ऊंच किसको कहा जाता है? पावन को। ऊंच कैसे बने? उन पांच मुख जो रावण के होते हैं उनमें ऊंच मुख कौन सा होता है? पांच के ऊपर भी एक मुख होता है। गधे का सिर दिखाते हैं, देह अभिमान, देह अभिमान रूपी गधा क्या करता है? देह अभिमानी की मिट्टी में घड़ी घड़ी लौट जाए। कौन बना? रावण। रावण तो कंट्रोल होने वाला हो गया ना उससे, गधे से। उन पांच विकारों को कंट्रोल करने वाला कौन? देह अभिमान। तो गधा कौन बन गया? रावण का नहीं गुलामी तो पहला मुख बन गए, क्रोधी क्रिश्चियन दूसरा मुख बन गए। सारी दुनिया का विनाश करने का सामान तैयार इकट्ठा कर लेते, इतने क्रोध में आते। उनका अंदरूनी क्रोध है, तुम बच्चों ने बाप को जाना है क्या? को जाना है बाप को जाना हो तो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। कैसा जाना है? बाप को जाना तो है लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार क्यों? क्योंकि कभी कभी बाप को जानते जानते कौन बुद्धि में बैठ जाता है? फिर को जानने के बदले आंख कहाँ चली जाती है? सब के ऊपर चली जाती है। तो सब माना दे अभिमान, सब माना दे अभिमान। तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। सबकी बुद्धि में सदैव ये नहीं रहता कि हम किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे पढ़ाई पढ़ते हैं। जब ये बात ही भूल जाएगी कि हम शिव बाबा से पढ़ते हैं, बुद्धि में आ जाएगा कि हम हमारे सामने कोई दो अभिमानी देहधारी है, तो क्या करेंगे? उसको भी अपनी मत देने लग पड़ेंगे। उसको तो तुम बच्चों ने नंबर वार जाना है, अपनी दिल से सवेरे उठ करके पूछो, क्योंकि अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठ कर ये ख्याल करो कि हमने नंबर वार जाना है या अव्वल नंबर में जाना है। अव्वल अव्वल नंबर में जाना है क्या?
बाबा आप हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, वो गॉडफादर को कहते ही हैं, किसी बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, ओ गॉडफादर। तो सन्मुख हुआ या नहीं हुआ, नजरों के सामने होना चाहिए कि नहीं, वो गॉडफादर कहते किसको बुलाइए, जरूर कोई है ना, चलो दूर ही सही नजदीक नहीं है लेकिन बुलाते हैं तो है ना सामने, वो गॉडफादर। हे परमपिता परमात्मा, ये किसके सामने कहा जाता है, कोई सामने ही होगा तभी तो कहेंगे। अब तो बच्चे जानते हैं जिसको याद करते हैं, हे भगवान अब वो हमको मिला है। पहले तो सिर्फ कहते हे भक्ति मार्ग, हे भगवान, ओ गॉड फादर, लेकिन मिला नहीं था, और अभी अभी वो हमको मिला है। पहले प्रैक्टिकल नहीं कहते थे और अभी प्रैक्टिकल में मिला है, हम फिर से देहद का वर्षा ले रहे हैं। यह है लौकिक बाप और ये है बेहद का बाप, क्या अंतर है? बेहद का बाप क्यों और वो लौकिक बाप हद का क्यों? हद के बाप को दो चार आठ दस बीस पचास बच्चे होंगे, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, और बेहद के बाप को 500 करोड़ मनुष्य मात्र, सब अपना एक टाइम ऐसा आता है कि सब के सब अपना बाप स्वीकार जरूर करते। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, उसके तन में बैठ के बोला, ब्रह्मा के तन में बोलने वाला सेव बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, ऐसे क्यों बोला जब बाजू नहीं बैठी हुई याद सुप्रीम से है, इसलिए बोला उस बेहद के बाप को दूर क्यों कर दिया? जरूर जो बाप और टीचर और सतगुरु के रूप में तीनों एक ही शरीर से पार्ट बजाने वाला बाप वर्षा देने वाला है, वो आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया, जो परमात्मा पार्ट है। तो बापों का बाप, पतियों का पति, वो हो गया जो भविष्य में पार्ट बजने वाला है। किसने बोला? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय बोला। ये भी भारतवासी भी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ, भारतवासी क्या कहते हैं? कहते हैं ना बापों का बाप पतियों का पति, तो कहते हैं तो जरूर प्रैक्टिकल कभी हुआ होगा कि नहीं है? ऐसे कोई होता है तो वो बाप भी हो और पति भी होता है? कहाँ होता है? कलयुग में तो चलो हो सकता है, घोर कलयुग जब होता है तो बाप भी अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, कोई कोई ऐसे होते हैं बिल्कुल अपने धर्म कर्म को भूल जाते हैं, ऐसे भी विचारी बन पड़ते। तो कलयुग के अंत की बात है दूसरी, लेकिन मोस्टली भारत में ऐसा होता नहीं है। और यहाँ बाप के लिए क्या गए, बापों का बाप भी है और पत्नियों का पति भी है। तुम्हारा उस पति के साथ बुद्धियों को तोड़ाए हम अपने साथ लगाता हूँ,
कैसे उसको पति के साथ बुद्धियों में कैसे लगा? या पतियों का पति, इसका मतलब आत्मा अनेक जन्मों में कई पति भी बनाती है, तो कई कई पतियों के साथ हमें तो बाहर तो बात फिर कई कई पतियों के साथ हमारा बुद्धियों को कैसे लगा? कई कई पति जब हम भारतवासी हैं, भारतवासी तो अभी विचारी होते हैं, तो पत्नियों का पति माना अनेक पति हुए ना, उन अनेक पतियों के साथ बुद्धियों को कैसे लगा? अलग अलग करिए। हाँ तो जन्म जन्मांतर में लगा तो क्यों लगा? उसके साथ शिक्षा जोड़ी, हिसाब किताब क्यों बना? जब हम भारतवासी देश के साथ होना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म की जो आत्माएं आई ना, पावरफुल आत्माएं, उनके संग के रंग में हम भी रंगे, तो संग करने से चाहे वाचा का संग करें, चाहे दृष्टि का संग करें, चाहे कर्मेंद्रियों से संग करें, संग करने से क्या होता है? रंग रंग लगे। दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसको संग का रंग न लगे। एक परमात्मा शिव भी ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता, वो निर्लेप है, उसको लेप सोच नहीं लगता। बाकी राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट सबको सबको लगता। हाँ संगम बिगड़े, परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं राम कृष्ण, क्योंकि शंकर में नहीं लगता, लगता तो है लेकिन परमात्मा की प्रवेशता के कारण ज्यादा समझ लगता है। औरों को ज्यादा असर करेगा लेकिन उनको ज्यादा समय ठहरेगा, बाकी लगता जरूर है। तो तुम्हारा उसे पति के साथ बुद्धियों को तोड़ाए, हम अपने साथ लगाता हूँ। कैसे? उन पतियों के साथ बुद्धियों को जैसे लगा वैसे ही तरीका क्या होगा? बाप के साथ कैसे लगेगा बुद्धियों? जैसे 64 जन्मों में उन पतियों के साथ संग का रंग लगा, वैसे ही बापूजी प्रैक्टिकल में आकर के उनसे बुद्धियों तोड़वाती है। कैसे? संग का रंग अपने साथ लगाती है और उनसे बुद्धियों टूट जाते। वो भी तो तुमको जन्म जन्मांतर दुख देते। कौन? जो जन्म जन्मांतर के जो पति हुए हैं, वो तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख देते आए। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, बीच में लगाया है। आलसो भी क्यों लगाया? ये लगाया जाता है कि जरूर कुछ और भी है। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और पति भी हूँ, ज्यादा संग करेंगे किसका लग जाता है? बाप का लगता है, पति का लगता है। कन्या है, अपने माँ बाप के घर में 20-25 साल पलती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर बुद्धियों कहाँ दुख जाता है? क्यों? 25 साल माँ बाप के बाप के पास पली, बाप की गोद में, और पति के पास पहुँच रही तो पति की गोद में पहुँच रही तो उसको जाते ही 2-4 साल में जल्दी से लग जाएगा। हाँ, पति का जो प्यार है वो क्लोज कंटेक्ट का प्यार है, वो प्रीति ही ऐसी है जो जल्दी बुद्धि में से टूटती नहीं। दुनिया में दो संबंध बहुत प्यारे हैं, या बाप या पति। तो अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो, अभी भी तुमको विष्णुपुरी स्टेशन पर भी ले जाता हूँ। तो मोर में किसकी चलेगी? ससुर घर में घर कैसा है?
घर ससुर घर कह दिया तो घर किसका हुआ? ससुर का घर हुआ ना। पति बड़ा है ससुर, ससुर बड़ा ससुर का। अभी फिर मैं तुमको ससुर घर ले जाता हूँ, ससुर मैंने तुम्हारे पति का भी बाप है। ससुर और ससुरी होती है ना, सास और ससुर, पति के भी अम्मा बाप। ये है तुम्हारे बाप का घर और वो है ससुर घर। ये है मन शर्मा। हाँ शर्मा, ये है तुम्हारे बाप का घर। प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला ना, तो ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मणी बन गए, तो वो हो गया बाप का घर, पति का घर नहीं कहेंगे। फिर ससुर घर जाएंगे, फिर मना कर दो आने वाले को, नहीं बाप जब ना होता, यानी ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ दे तो कहाँ जाओगे? ससुर घर जाएंगे, जाएंगे हाँ जाएंगे या मर जाएंगे, आएंगे ससुर घर जाएंगे। उस समय बोला ना, बच्ची जानती हमको बहुत अच्छा संगारा जाता है, कहाँ के लिए? हाँ ससुराल में जाने के लिए हमको बहुत अच्छा संगारा जाता है, पाइपी से संगारा संगारा जाता है, कुछ होते दिल्ली दोनों से संगारा जाता है। बच्चे जानते हैं मुख्य संगार कौन सा होता है? सिंगारा जाता है तो स्कूल में भी मुख्य सिंगार कौन सा होता है? बिंदी लगाते हैं वो है सबसे मुख्य सिंगार, तो स्कूल बिंदु की तो बात नहीं है ना, आत्मगुरु की बिंदु है ना, तो अभिमान रूपी जो गधा बैठा रहता है ना वो हटा के क्या करना है? आत्मा अभिमानी की बिंदु लगी रही है। बहुत अच्छा संगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुमको ज्ञान से सभी करके विश्व के महाराजा महाराज मिलते हैं, सचिव की नहीं विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने, तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सचिव जो था कहाँ थे विश्व के मालिक? संगम पर, संगम में भी पड़ गई सचिव में, संगम में ही दो फेरे हैं, एक कलयुग और एक सचिव। तो सचिव आदि का जो फेरा है जिसको संगम कहे हैं, संगम का अंत भाग, तो उसमें तुम विश्व के मालिक थे। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं, अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कली भी हैं, हम तो संगम भी हैं, फिर हम सचिव में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए, यानी आज सचिव में हम सारे विश्व के मालिक बनेंगे। जानते हो किसी की बादशाही देने वाला आया है? अभी संगम युग पर वो आए हैं, मनुष्य तो घोड़ा गहरे में क्यों, मनुष्य घोड़ा गहरे में क्यों है? क्योंकि वो जैसे समझते हैं वो तो चला गया, आया था कभी भगवान, अभी नहीं है चला गया। या कोई बहुत से ऐसे भी समझते हैं कि जिनके लिए नरक होगा उनके लिए नरक होगा, हमें तो मैलमारियां अटारियां बड़े बड़े मीडियम
दूसरी बात आई हमें दे दिया, हम स्वर्ग में हैं और बाकी सब नरक में, हमको स्वर्ग की बात आई तो घोर अंधियारे में है। कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष, घोर अंधियारे में क्यों हुए? या तो कह देते हैं हम स्वर्ग में, जबकि स्वर्ग है ही नहीं इस दुनिया, और या तो कह देते हैं हम नरक में। अभी 40,000 वर्ष पड़े ब्राह्मण विचार नहीं दिए, हम कोई ऐसे शूटिंग कर रहा है क्या? है वो मुख से नहीं कहते लेकिन उनकी करनी ऐसी है जिससे दुनिया को ये पता लग जाता है, दुनिया ये समझ लेती है कि भले ये मुख से नहीं कह रहे हैं कि अभी दुनिया को विनाश होने में बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन कंक्रीट के अंडरग्राउंड जो मकान बनाते जाते इधर उधर चारों तरफ, उससे साबित होता है कि अभी दुनिया हजारों साल के लिए। अब ये कैसे हो सकता है? कुंभकर्ण की नींद में अज्ञान नींद में सोएंगे, कौन हुए कुंभकर्ण? बाहर की दुनिया वाले हैं, भारतवासी जो पाप के बच्चे बने हैं, अभी ब्राह्मण बच्चे, उन ब्राह्मण बच्चों में ही ये धारणा है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, ऐसी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। और सुनाया किसने? रावण। रावण कौन? माया को भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने सुलाया, इसलिए मुरली बोला है रावण को कहेंगे ये गुरु लोग, क्या जो गुरु बन करके बैठते हैं। सत्संगों में जाते हैं समझते हैं, हम ज्ञान सुनने जाते हैं, है? क्या समझते हैं? दुनिया में जो भी सत्संग चल रहे हैं मनुष्य गुरुओं के, उनको समझते हैं सत्संग, और वो है क्या? तो गुरु जी को जब तक पैसे देते रहो तो सत्संग, और उन गुरु जी को कुछ दोगे नहीं, मान मर्तबा नहीं दोगे, पैसे वैसे नहीं दोगे तो लात मारे तो निकाल देंगे बाहर। तो सत्संगों में समझते हम ज्ञान सुनने जाते, ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान ना माना ज्ञान, परंतु ज्ञानदाता तो एक ही बात है, ढेर के ढेर गुरु ये ज्ञान देने वाले होंगे क्या? ढेर के ढेर गुरु होंगे तो ढेर का ढेर ज्ञान सुनाएंगे, ढेर की ढेर बातें बताएंगे अलग अलग, और एक सतगुरु सिर्फ एक ही बात सुनाएगा। शास्त्रों में देखो एक ही गीता में कितना भेद पैदा कर दिया। शंकराचार्य की गीता कहेगी परमात्मा एक है, सब आत्मा को परमात्मा, और माध्वाचार्य की गीता कहेगी आत्माएं अनेक है और परमात्मा उनके अलग है। अब बताओ बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बातें, सच्चाई किसको कहें? तो ये गुरु लोग ज्ञान नहीं सुना सकते, ये जानकारी है सच्चाई की वो सिर्फ परमात्मा के पास है, वो परमात्मा एक है, बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्या दाता कहेंगे मनुष्यों को? अज्ञानदाता, क्योंकि बाप के पास ही ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। ज्ञान होता काहे के लिए? ज्ञान वो जिससे सदगति है,
और 2500 साल से जहाँ से शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं, शास्त्र निकलते आ रहे हैं, दुनिया की गति हो रही है, सदगति हो रही है, दुर्गति हो रही है, दुर्गति और ये दुर्गति होती जा रही है। मन बुद्धि एक दूसरे से विपरीत बनती जा रही है। मन बुद्धि जो है हर मनुष्य की देह विमान में मिट्टी में फंसती जाती है, तो मिट्टी की ओर बुद्धि जा रही है कि ऊपर की ओर बुद्धि जा रही है? बुद्धि का पतन हो रहा है ना, आत्मा का पतन हो रहा है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। सत्तों सहित सबकी सदगति हो जाती है, बाप ऐसा ज्ञान देते हैं। और अभी क्या है, 2000 वर्ष से क्या होता है, सत्तों सहित, पांच तत्वों का सबसे उत्तम नमूना कौन सा है? मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर, तो मनुष्य शरीरों की सदगति होती आ रही है कि दुर्गति होती जा रही है? दुर्गति। भारतवासियों को ही देखो, पहले कितने हट्टे कट्टे मोटे ताजे शरीर होते थे, और अब शरीर बिल्कुल तमो के नान होते जा रहे। तो पांच तत्वों की भी दुर्गति होती जाती है मनुष्यों का अज्ञान सुनते सुनते। अज्ञान क्यों? क्योंकि वो अनेक बातें विचारी बातें सुनाते हैं, और बाप एक ही बात सुनते। बाप की बातें दो तरह की नहीं होती, हो सकती। तो बाप के ज्ञान से सबकी सदगति हो जाती है, सबको सही। मनुष्य के पास सदगति का ज्ञान नहीं, काय का ज्ञान है, फिर दुर्गति, दुर्गति करने का ज्ञान है। इस समय सारी दुनिया सबकों सहित तमो प्रधान, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान। नई दुनिया है ही सतु, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है, तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बाध्यता ही कवर कर देते। दादा मैंने कौन, बड़ा भाई, बाप तो स्वर्ग की बाध्यता ही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना? क्या क्या आना चाहिए, ये बात आनी चाहिए कि हम जिस बाप के पास जाते हैं वो हमको क्या देते हैं। परंतु माया बुलाई देती, तो जिसके पास जाते हैं तो फिर भाग भी जाते हैं। इच्छाएं खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो ही उनसे बच पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन की पहचानना, एक ही बार चाहिए ना। कौन से सेकंड में जीवन मुक्ति, वो कौन सा सेकंड? अव्वल नंबर में। अव्वल नंबर नहीं, वो सेकंड जिसके बाद फिर दूसरा सेकंड ये ना आने पाए, अनिश्चय बुद्धि का। अभी क्या होता रहता है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी माया निश्चय को उठा देती है, निश्चय को उखार दिया तो कहेंगे कि अभी वो सेकंड आया नहीं है। कौन सा सेकंड ना, जिसमें जीवन मुक्ति हुई है। जरूर तब तक जीवन मन में है, तब तक जब तक निश्चय अनिश्चय बुद्धि का चक्कर चल रहा है। कहां से निश्चय बुद्धि जब बन जाएगी
वो घड़ी जब आ जाएगी, वो सेकंड जब आ जाएगा जब कॉन्स्टेंट जिसके बुद्धि बन जाए कि हम उस बाप के पास जाते, उस बाप के पास जाते हैं जो हमको विश्व की बात सही देने वाला सर कवर का देता है, तो वो ही सेकंड हमारी जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति हो जाएगी। भले हम पाप के कंधे पे चढ़ के जाके बैठ जाए, बोध नहीं जाके क्यों न बैठ जाए, लेकिन निश्चय निश्चय का चक्कर अगर चल रहा है बुद्धि में तो समझो हमारी जो लास्ट सेकंड अभी आई नहीं है, जीवन में मुक्ति नहीं मिली है, जीवन रहते हुए फिर भी क्या है बंधन में है, किसके बंधन में आ जाते, रावण के बंधन में, रुलाने वालों से प्रभावित हो जाते हैं और बाप के प्रभाव से दूर हो जाते, प्रभावित मना प्रजा रचना, जो जिससे प्रभावित होता है वो उसी की रचना हुई, उसी का बच्चा हुआ, अगर सदा बाप से ही प्रभावित होते रहे तो बाप के बच्चे बने रहे, सभी आत्माओं का बाप ही वो, सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, सभी आत्माओं का बाप तो आया हुआ है लेकिन जो आया हुआ है उससे सभी तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल। बाप तो पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई कभी लाउड स्पीकर पर नहीं होती है, लाखों करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाए तो सामने मंच पर ऐसा ग्लास लगा दिया जाए जो बाप को दूर से भी बड़ा दिखाई पड़े और फिर पढ़ाई पढ़ाता रहे, माना हुजूम में बाप, बड़े हुजूम में बाप नहीं पढ़ाई पढ़ाते, टीचर पूछेंगे क्या बनना चाहते हो तो कैसे रिस्पॉन्ड देंगे, पढ़ाई पढ़ाई जाती तो प्रश्न भी तो पूछे जाते हैं, ठीक है प्रश्न पूछता है तो लाखों हजारों की तादाद में पढ़ने वाले होंगे, बाप से मिलकर के तो रिस्पॉन्ड कैसे देंगे, उनमें से स्पीक कर सकते हो इसमें लाउड स्पीकर में, बाकी पढ़ाई नहीं हो सकती, माने बाप लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई नहीं पढ़ाता और जहाँ लाउड स्पीकर पर पढ़ाता हो बाप बाप कौन हुआ है, ये कैसे कहा जा सकता है रावण हुआ, ये कोई बात नहीं हुई, बाप नहीं है अम्मा हो सकती है, अम्मा को रावण बताता अम्मा कोई देहाभिमान का पुतला है जो रावण बताई दिए, कान पकड़ तुम सब टीचर से कहा जाता है ना, गीता पाठशाला अक्षर भी कामन है, ये तो विचित्र है ना, कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की पाठशाला तो नहीं है, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, ये पाठशाला किसकी है, कृष्ण की है, है?
पाठशाला में जो कंट्रोलर होगा उसी से तो पाठशाला होगी ना, तो कौन है कंट्रोलर? शिव बाबा ना, जबकि की पाठशाला नहीं है, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, स्टूडेंट है। सचिव में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते ही क्या? फिर उसको हुआ ही है सचिव में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्रेम अनुसार हरेक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, भरा हुआ है क्या? हरेक आत्मा में भरा हुआ है 5 करोड़। हरेक आत्मा में, आत्मा का मतलब जो कॉन्स्टेंट आत्मिक स्थिति में रहने वाली है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं बाकी तो आत्माएं 100% उनको पक्की आत्माएं पहनी। क्यों? क्योंकि जो जिनका देहभान नष्ट ही नहीं होता वो बाप से पढ़ाई अंत तक पढ़ ही नहीं पाएंगे, और जब पढ़ाई पढ़ नहीं पाएंगे तो वो आत्मिक स्थिति ही उनकी पक्की बन नहीं सकती, वो तो सही छोड़ करके परम नाम में जाके बैठेंगे। तो परम नाम में बैठेंगे जितना ज्यादा समय वो सब हो गए विदेशी, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कभी कभी, क्योंकि बाप से डायरेक्ट अंत तक पढ़ाई नहीं पड़ती। तो हरेक आत्मा में अपना अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, यानी आत्मिक स्थिति में रहने वाले कितने हुए, ज्यादा से ज्यादा कितने हुए? नौ लाख। 84 जन्म लेते हैं कि नहीं? 84 जन्म जो भी लेते हैं वो है सब देवी देवता सनातन धर्म के पक्ष। तो हरेक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से भी ले सकता है, कितनी समझ की बात है। ब्रह्म है ना, पार्ट रिपीट हो जाता है, बाकी वो शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग की क्यों है, ज्ञान मार्ग की क्यों नहीं है? शास्त्रों में ज्ञान क्यों नहीं है, भक्ति मार्ग की क्यों है? क्योंकि भक्ति आती है रावण के अनेक मुखों से, और ज्ञान आता है ईश्वर के एक मुख से। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति नहीं, मैं ही आकर के देता हूँ, आकर के देता हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ ज्ञान सुना के चला जाता हूँ फिर सदगति अपने आप पाते रहते, नहीं मैं खुद आकर के सदगति देता हूँ। कहाँ आकर के? सूक्ष्म बतन साकार सृष्टि पर आकर के सदगति देता हूँ। तुम जानते हो 5-4 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम भी सामने, अभी तो दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम और सुख धाम और दुख धाम, ये भारतवासी के लिए ही है क्या? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भारतवासियों के लिए खास क्यों है? क्यों वो 5000 वर्ष सिर्फ एक जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं परम धाम में ही खड़ी रहती है, उनके लिए शांति धाम नहीं है? चलो सुविधा में नहीं आती, लेकिन शांति धाम में तो आती है,
तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि शांति धाम सुख धाम और बुध राष्ट्रीय भारतवासियों के लिए जो आग्राउंड पार्ट बनाने वाली आत्मा है वो शांति धाम में तो रहती नहीं, तो उनके लिए शांति धाम का हाँ इसलिए क्योंकि सुखधाम में भी शांति धाम भी कमाया हुआ है, भारतवासियों को घर आकर के सुखधाम का रास्ता बताता हूँ क्या। शांति धाम का रास्ता किसको भी बताता हूँ, जो दूसरे घर में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको बताता हूँ शांति धाम का रास्ता, तुम शांति में जाके बैठो, अभी सुखधाम में जाने के काबिल नहीं हो। वो कहते भी क्या है, हमें मोक्ष चाहिए, स्वर्ग के सुख काग रुकता, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शांति चाहिए। कल्प कल्प से हमको आना पड़ता है आई के लिए, सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बताने के लिए। अनेक बार आया आता है जीवन में, इनकी चीज नहीं हो सकती है, कहीं की आने की चीज हो जाए ये नहीं हो सकता। तुम चक्कर लगाकर सुख धाम में आते हो तो मुझे आना पड़ता है, पड़ता है, मजबूरी है क्या, तो आना पड़ता है मुझे ना, पड़ता है माने मजबूरी है ना, क्या मजबूरी है कि तुमको एक बार निश्चय बैठ जाता है तुम सुखी हो जाते हो और फिर निश्चय से अनिश्चय के चक्कर में चले जाते हो, माया तुमको चक्कर में लाए देती है तो दुखी हो जाते हो। तो तुम जो हो जब चक्कर जल से लगाते हो तो तुमको उस चक्कर से उठाने के लिए मेरे को बार बार आना पड़ता है, न तुम चक्कर लगाओ और न मेरे को बार बार आना पड़े, कितने पतिस्तम प्रधान तन में मुझे कब तक आना पड़ रहा है, जब तक तुम चक्कर लगाते हो अभी तुमको स्मृति आ गई है 84 के चक्कर की, अब बाप को रचयिता कहा जाता है, ऐसे भी कि ड्रामा को कोई रचयिता है, रचयिता अर्थात इस समय सत्य को आकर के रचते, वो ड्रामा नहीं रचता, क्या रचता है असत्य, सत्य वो रचता है, जो नहीं था वो रचता है, सृष्टि नहीं रची जाती माना ड्रामा नहीं रचा जाता, क्या रचा जाता है सत्य वो रचते, सत्य में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया उन्हों को ही बैठ पड़ा था, बच्चों को एडाप्ट करते हो तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संसाधि नहीं पढ़ाते क्या, तो तुम्हें गलत फहमी हो जाए, क्या गलत फहमी हो जाए कि हमको कोई साधु संत पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते, याद जिसको करते हैं तो जरूर कभी आएंगे भी ना, किसको याद किया जाता है, जिसको कभी प्राप्ति हुई हो उसी को याद किया जाता है, ये भी जिसको समझ नहीं है तो याद क्यों करते हैं रसगुल्ला कोई को बार बार क्यों याद आता है, पहले कभी खाया है तो उसे बार बार याद आता है, तो ये भी नहीं जानते
या हम उसे याद क्यों करते? जरूर पति पितावन बाप आते हैं, इसलिए आते हैं, ज्ञान चुका भी चले जाते हैं। बस क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वो तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद सुंदर पति पितावन को करके हम आत्माओं को फिर से बरसा दे। अभी तो बच्चों को छुट्टी आई है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। आया हुआ किसने है? ऐसे नहीं आया हुआ है ज्ञान सुनाने के लिए, नहीं, लेकिन आया हुआ है किसके लिए? स्थापना करने के लिए नई दुनिया, यानी जब तक नई दुनिया स्थापन नहीं होती है तब तक बाप वापस परमधाम नहीं जा सकते। वो फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे, और धर्म पिता अभी तुम बच्चों समझते हो हम मास्टर नाली कुल बनते, धर्म पिता है या गुरु लोग, वो अपने अपने टाइम पर ही आएंगे। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के गुरु लोग भी कब आएंगे? तो अभी पूरी ताकत लगा दो, वो नहीं चक्कर मत होंगे ना आएंगे, कब आएंगे? जब अपना टाइम उनका होगा शूटिंग का, तब वो आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नानी सुन बनते हैं, एक बात ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाए देते हैं, क्या खुद नहीं बनता है? खुद नहीं बनता है, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम क्रूर आधारित, इनको कहा जाता है उनको हाँ, उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी, उनको माना कहीं इशारा किया ना, वो निष्काम सेवाधारी कौन सा रूप है? वो कौन सा रूप है? शंकर को दिखाते हैं कांटों के जंगल में, कभी स्वर्ग में नहीं दिखाते। तो मैं स्वर्ग में नहीं जाता हूँ, स्वर्ग की बात चाहिए तुमको देता हूँ, मैं तो ऐसे ही जानवरों की खाल लपेटे रहता हूँ। जानवरों की खाल मन जानवर की बड़े 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 खून खार खून खार खून पीने वाले क्या दिखाते हैं? दुखी चंदन दिखाते ही नहीं, लपटे रहते हैं, उनको परवाह नहीं। उनको कहा जाता है निष्काम क्रूर आधारी, कोई कामना कामना नहीं है, मनुष्य समझते हैं हम फल की आस नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। कैसे? तो मनुष्य के लिए करना संभव नहीं है कि वो निष्काम सेवाधारी बन जाए, मनुष्य को कामना जरूर रहे। जैसा संसार ले जाती है उस अनुसार जरूर होता है, कर्म फल तो अवश्य होता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म दृष्टियों के पास लेकर के फिर संस्कार अनुसार सन्यास स्वर्ग में कहीं होती, जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, है कौन से मैदान में? लड़ाई के मैदान में मर भी जाएगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। यादगार कहां की है? जो ये कहावत चली आ रही है गीता,
रहे थे नहीं नहीं कहावत मरेगा का मतलब क्या हाँ जो जीते जी मरेगा पांच विकारों से युद्ध करते करते जीते जी मर जाना ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए दो अभिमान की जगह मर गए तो वो स्वर्ग में जाएगा स्वर्ग में जाएगा का मतलब तो ट्रेन से जाएगा कि हवाई जहाज से जाएगा उसको बुद्ध हो गया ऐसा बना